शुरू करते हैं खबरों का सफर। और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं 16 फरवरी को भोगांव निबंधन कार्यालय में हुई चोरी के खुलासे की। थाना भोगांव क्षेत्र के निबंधन कार्यालय में चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है और 2 नाबालिग चोर और 2 बालिग चोरों को गिरफ्तार कर जेल का रास्ता दिखा दिया। चोरी की घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस अधीक्षक की ओर से पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और प्रेस वार्ता करते हुए पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने पूरी घटना के बारे में बताया है कि 16 व 17 फरवरी की रात तहसील भोगांव के उप निबंधन कार्यालय में चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। चोर कमरे का ताला तोड़कर उसमें रखा कैश बॉक्स उठा ले गए थे, जिसका मुकदमा थाना भोगांव में पंजीकृत कराया गया था। घटना खुलासे के लिए भोगांव पुलिस को कड़े निर्देश भी जारी किए गए थे। घटना के खुलासे में लगी भोगांव पुलिस ने जीटी रोड पर नेशनल डिग्री कॉलेज रेलवे फाटक के पास से पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए चोरों ने पुलिस को अपना नाम नीलेश उर्फ रामदीन निवासी नगला खरा थाना भोगांव बताया। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो नीलेश ने पुलिस को बताया कि उसकी तहसील के ठीक सामने फोटो स्टेट की दुकान थी। उसे उप निबंधन कार्यालय में पैसा आने जाने का पता रहता था। नीलेश ने बताया उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई थी। नीलेश ने निशानदेही पर उसके साथी सचिन पुत्र अवधेश निवासी नगला खरा को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने सौरभ पुत्र समेंद्र पाल तथा दीपेश पुत्र अजय निवासी नगला खरा को भी गिरफ्तार कर लिया। नीलेश ने पुलिस को बताया कि चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद वह कैश बॉक्स उठा ले गए थे। पाल ढाबा के सामने एक तालाब के पास जाकर ताला तोड़कर 1,53,000 रुपए कैश बॉक्स से मिले थे, जिनका बराबर बंटवारा कर लिया गया था। कैश बॉक्स में कुछ कागजात भी मिले थे जिन्हें तालाब में फेंक दिया था। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों को कब्जे से 92,000 रुपए की नकदी, 2 तमंचा, 4 कारतूस, बेलचा, चोरी के पैसों से खरीदा गया कीमती मोबाइल बरामद कर लिया है। पुलिस ने लिखा पढ़ी के बाद चारों साथियों चोरों को जेल भेज दिया है। एसपी ने चोरी की वारदात का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 10,000 का इनाम दिया है, साथ ही प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। 16 फरवरी को थाना भोगांव क्षेत्र के अंतर्गत स्थित तहसील परिसर में उप निबंधक कार्यालय में चोरी का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें तिजोरी समेत 1,53,000 रुपये चोरी जाने की बात की तहरीर दी गई थी, जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके खुलासे के लिए टीम लगाई गई थी। हमारी भोगांव पुलिस टीम को सफलता मिली है और 4 चोरों को गिरफ्तार करने में इसमें कामयाबी मिली है। 2 बालिग हैं, 2 किशोर अपचारी हैं, जिनको अलग से जे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इन चारों में से जो सरगना है नीलेश सिंह और एक उसका साथी है सचिन, जो मास्टरमाइंड है पूरे कांड का, और उन्होंने ये वारदात अंजाम दिया था। दरवाज़ा तोड़ करके चोरी हुई थी, उसमें 1,53,000 के आसपास नकदी और तिजोरी गायब हो गई थी। काफ़ी सनसनी खेज मामला था, क्योंकि ये निबंधक कार्यालय का मामला था। इसमें इनको गिरफ्तार करके इनके कब्जे से कुल 92,000 रुपये की नकदी बरामद हुई है, तिजोरी बरामद कर ली गई है। साथ ही साथ सचिन नाम का जो लड़का, अभी नाम लिया मैंने, उसके कब्जे से 18,000 रुपये का मोबाइल, जो इसी चोरी की रकम से खरीदा गया था, वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस घटना का बिल्कुल सटीक और सही खुलासा किया गया है। आज इन सभी को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। सही खुलासा करने वाली टीम को उत्साहवर्धन के लिए 10,000 रुपये का नकद इनाम दिया जा रहा है, जिसमें थाना प्रभारी भोगांव श्री पहुप सिंह, उनके SSI श्री सुरेश शर्मा और उनकी पूरी टीम इसमें शामिल है, उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। चारों की आपराधिक इतिहास की बात करें तो क्या है सर? अभी जो बात हुई है, उन्होंने छोटी छोटी चोरियां कबूल की हैं, लेकिन ये उनका कहना है कि कभी ये पकड़े नहीं गए हैं और बाकी इनके आपराधिक इतिहास तलाश किए जाए। माल में बरामदी पैसे के अलावा सर, और बरामद माल में